हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? उम्मीद है दोस्तों आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं नरीमन पॉइंट, जो कि आप नाम सुने होंगे। देख पा रहे हैं दोस्तों, पूरा रोड खाली है और जगह जगह पे पुलिस तैनात है। तो ऐसा क्यों है अभी मैं आपको बताता हूँ कि आज ये रोड क्यों खाली है और इतनी पुलिस यहाँ पर क्यों लगी है। दोस्तों दरअसल बात ये है कि आज यहाँ पर एक ऑफिस का उद्घाटन है, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफिस है। आज मैं वहीं पर जा रहा हूँ, वहाँ पर थोड़ा सा कंप्लेन है एसी का, इसके लिए मैं वहाँ जा रहा हूँ। और रोड खाली इसलिए है कि आप नाम सुने होंगे एक नाथ शिंदे सर, जो कि मुंबई के सीएम हैं, मतलब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। तो वो आज आ रहे हैं उद्घाटन के लिए, इस वजह से आज पूरा रोड वहाँ का खाली है। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं वो बिल्डिंग में और अभी जा रहे हैं लिफ्ट के लिए, जो कि 8वें फ्लोर पे है, 84 नंबर है ऑफिस का। और अभी हम चलते हैं लिफ्ट के लिए। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, ये है एक कैमरामैन जो कि ऊपर जा रहे हैं ये भी, और सीएम साहब का आने का इंतज़ार कर रहे हैं ये भी। और वहाँ पर अभी आपको दिखाते हैं कि कितने सारे कैमरामैन आ जाए हैं वहाँ पर वीडियो के लिए, न्यूज़ रिपोर्टर, कैमरामैन, बहुत सारे लोग हैं। अभी हम लिफ्ट में आ चुके हैं, देख पा रहे हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है, जो कि इधर के सब लोग वहीं पर जा रहे हैं। दोस्तों वो अभी आएंगे 1 बजे और मैं पहुँचा हूँ 11 बजे। और देख पा रहे हैं अभी से पूरी रोड खाली करा दिए हैं और जगह जगह पे पुलिस तैनात है। देख पा रहे हैं जैसा कि हम पहुंच गए हैं 8 फ्लोर पे, और देख पा रहे हैं कितने सारे पुलिस यहाँ पर भी खड़े हैं, सिक्योरिटी गार्ड, पुलिस। और ये मुझे बोल रहे हैं बाइक चेक कराने का, मतलब कहाँ जा रहे हो, किस वजह से जा रहे हो, ये मेरा बाइक चेक कर रहे हैं अभी। तो चेक करा के अभी आपको हम दिखाते हैं। देख पा रहे हैं दोस्तों, ये यहाँ का गेट है जो कि मेन एंट्रेंस है, सब फूलों से सजाया गया है, जो कि रात 4 बजे तक सजाए हैं कल उनके स्वागत के लिए। देख पा रहे हैं कितने सारे फूलें लगी हुई हैं, जो कि सब ओरिजिनल है एकदम। देख रहे हैं वो सिक्योरिटी सबको साइड में कर रहा है, मतलब लाइन में हो जाएं एक जगह पे, सीएम साहब आने वाले हैं, इस वजह से सबको साइड में कर रहा है अभी। देख पा रहे हैं दोस्तों कितने सारे लोग हैं, जो कि उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, पूरी भीड़ लगी हुई है। दोस्तों आज तक मुझे भी नहीं पता था कि महाराष्ट्र के सीएम कौन है, जो कि आज मुझे भी पता चला है। तो इसके लिए आज मैं भी आ गया हूँ, देखता हूँ कौन है वो। फाइनली दोस्तों इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो गई और वो अभी आ गए हैं। देख पा रहे हैं जैसा कि वो अभी लिफ्ट से निकल रहे हैं, ये एरो के नीचे देख रहे हैं वही हैं शिंदे सर, और अभी जा रहे हैं उद्घाटन के लिए, जो कि अभी वहां पर रिबन काटेंगे और उसका उद्घाटन करेंगे ऑफिस का। देख पा रहे हैं उनके साथ कितने सारे कैमरामैन, न्यूज़ वाले, सिक्योरिटी गार्ड, सब लोग साथ में ही आए। फाइनली दोस्तों देख पा रहे हैं उद्घाटन होने के बाद अभी सर वापस आ रहे हैं, जो कि अभी जा रहे हैं, अब कहीं और भी जाना होगा, सिर्फ यहां पर आए थे उद्घाटन के लिए।
और अभी यहाँ से वो निकल रहे हैं, देख पा रहे हैं वो आ रहे हैं सामने, वही है, देख पा रहे हैं दोस्तों कैमरामैन लोग कितना भाग रहे हैं कि कितना जल्दी नीचे पहुँचें और अपना न्यूज़ रिकॉर्ड कर सकें, इसके लिए इतना भाग दौड़ हो रही है, देख पा रहे हैं टोटल 4 लिफ्ट है फिर भी इतना भाग दौड़ हो रही है, कितने लोग तो सीढ़ी से भाग के गए हैं और सब वेटिंग में चल रहे हैं, अभी लिफ्ट भी ओवरफुल हो गई है, देख पा रहे हैं सब लोग बाहर निकाल रहे हैं सबको एक एक करके, फाइनली दोस्तों जितने लोग आए थे अभी सब लोग चले गए हैं, और अभी लेके चलते हैं हम आपको अंदर की दिखाते हैं क्या चीज़ है, देख पा रहे हैं इधर लिखा है महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडल, मतलब जो मुस्लिम कमेटी की होती है जैसे कब्रिस्तान या मस्जिद वगैरह वो सबका देख रेख करने वाला मतलब एक सांसद होता है उसका ये ऑफिस है जो कि गवर्नमेंट के अंडर में आता है, देख पा रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट का बोर्ड है, मतलब जो कि एक स्टेट लेवल पे काम होता है गवर्नमेंट का वो चीज़ का ये ऑफिस है जिसका आज उद्घाटन हुआ है। गाइस लगी थी भूख बहुत तेज़ जो कि शाम के 5 बज गए हैं और अभी तक कुछ खाने को नहीं मिला था, तो हमारा भी टाइम आ गया, अभी हम खाना खा रहे हैं जो कि देख पा रहे हैं,